आप सभी ने मेरे पिछले वीडियो जो कि ज्ञान भाई और रायस्टार के ओल्ड मेमोरी से रिलेटेड था उस पर आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दिया और इसके लिए आप सभी का शुक्रिया और ज्ञान भाई के लिए पर्सनली थैंक यू बोलना चाहूँगा। पुरानी यादें एक बार फिर ताज़ा होंगी और आपके लिए ऐसी वीडियोस आती रहेंगी और मैं जितना डिजर्व करता था आप सभी ने उससे कहीं ज़्यादा प्यार दिया। तो गाइस आज की वीडियो में एक बार फिर से हम पुरानी यादों को ताज़ा करने वाले हैं ज्ञान भाई से रिलेटेड और ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये बात तो आप सभी जानते हैं कि ज्ञान भाई बहुत पुराने यूट्यूबर हैं और उनमें से कुछ बंदे ऐसे भी थे जिनका कभी किसी टाइम पर कोई चैनल भी नहीं था और ये सभी ज्ञान भाई को फॉलो किया करते थे। तो हम लोगों के लिए ये बात जाना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि ज्ञान भाई ने जब अपना यूट्यूब करियर स्टार्ट किया था तो किसी एक परमानेंट मेंबर के साथ में वो खेला करते थे और उस बंदे का नाम तूफान था। और जब ज्ञान भाई का करियर स्टार्ट हुआ तो उसमें जीजे गेमिंग ने काफी ज्यादा उनको सपोर्ट किया। तो क्या आप लोग जानते हैं कि राकेश07 जो कि एक बहुत पुराने प्लेयर माने जाते हैं वो ज्ञान भाई को कैसे मिले थे? तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि राकेश07 सिर्फ एक रैंडम इन्वाइट थे और जिसको तूफान ने इन्वाइट किया था और उसी के बाद में ज्ञान भाई का और राकेश07 का आगे मुलाकातें चलती रही और वहां पर उनका करियर स्टार्ट हुआ। लेकिन इसी बीच में काफी सारे ऐसे यूट्यूबर्स भी थे जिनका यूट्यूब करियर अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ था और वो सिर्फ ज्ञान भाई के स्ट्रीम को अटेंड करने के लिए आते थे, यानी कि उनको सिर्फ खेलने के लिए। यानी कि ज्ञान भाई इतने पुराने स्ट्रीमर है कि वहां पर काफी सारे बंदे जो कि आज काफी बड़े यूट्यूबर बन गए या फिर मिलियंस में वो यूट्यूबर पहुंच गए हैं, तो यहां पर वो बंदे सिर्फ उनके साथ में एक मैच खेलने के लिए रिक्वेस्ट किया करते थे और उनमें से काफी सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनका मैं नाम यहां पर बताने वाला हूं तो आप लोग शॉक्ड होने वाले हो। ऐसे ही कुछ बंदे जैसे बीस्टन बॉय, टेक्निकल केके या फिर देसी गेमर्स जैसे बड़े यूट्यूबर्स इस लिस्ट में शामिल है। सिर्फ उनका गिव अवे अटेंड करने के लिए आया करते थे, जैसे कोई कस्टम हुआ उसमें 20 या 50 डायमंड का एक रिवार्ड रखा जाता था और वहां पर देसी गेमर्स जैसे यूट्यूबर्स काफी बार कमेंट में स्पैम करके सिर्फ इतना पूछा करते थे कि 20 या 50 डायमंड में मुझे क्या मिलेगा। और ये बात बहुत ज्यादा फनी है क्योंकि उस टाइम पे इन यूट्यूबर्स का करियर स्टार्ट ही नहीं हुआ था और आज इन सभी के मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं और आज ये खुद बहुत बड़ी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं। और उसमें सबसे हंसाने वाली बात जो थी वो ये थी कि रैंक सीजन काफी पहले आ चुका था लेकिन लेवल 60 होने तक ज्ञान भाई सिर्फ क्लासिक मैच खेला करते थे क्योंकि रैंक कम होने का डर उन्हें भी था और बहुत ज्यादा रिटेट या फिर बहुत ज्यादा हाइपर भी हो जाते थे कभी कभार अगर किसी मैच में माइनस लग जाता। तो एक ऐसा ही किस्सा जब ज्ञान भाई का माइनस लगा और वहां पर उसने एक बंदे को बोल दिया कि लॉन्चर गांड में डाल ले, पूरा स्क्वाड उतर रहा है तो उतरने दो ना, गन गन हाथ में लेना, बस भागो और गन हाथ में लेना और कुछ नहीं। अरे बाप रे बाप, गन मिल जाए यार घर के अंदर, बस माँ कसम खुदा की मर जा बे, एक गन मिल जाए घर के अंदर। अबे बोलू भाई गन मत उठाना, मेरे को उठाने देना। अरे गेंद लॉन्चर ले लिया तूने, अबे कुछ तो दे हट यार। अच्छा भाई इसको गेंद लॉन्चर मार, गेंद लॉन्चर मार, ओए पागल गेंद लॉन्चर, इसको ये कौन पागल था वो जो गेंद लॉन्चर लिया था, मार गेंद लॉन्चर। अरे पागल आंसर हट यार, वेंचर को लेंगे नहीं यार भाई पबजी टूर्नामेंट में इंडिया। अरे फेवरेट कौन था रे वेंचर, नंबर 4 जो था वेंचर, गेंद लॉन्चर गांड में डाल के रख दे अपनी यार, क्या हरकत थी ये, बैक करो। अरे बहन जो ऊपर से मेरे को गेंद लॉन्चर नहीं दिया, गन भी उठा लिया, मुझे काम तो करनी पाया तूने। -61 -58 मेरा। आप में से काफी सारे बंदे ये बात नहीं जानते कि ज्ञान भाई के चैनल का नाम पहले ज्ञान गेमिंग नहीं होकर के ज्ञान A to Z हुआ करता था और वो साथ के साथ में प्रमोशन लेकर चलते थे एक और यूट्यूबर का जिसका नाम था अनग्रेजुएट नूब, यानी कि अनग्रेजुएट गेमर। और वो मैंने इसलिए कहा क्योंकि अनग्रेजुएट गेमर के चैनल का नाम पहले अनग्रेजुएट नूब हुआ करता था, यानी कि अनग्रेजुएट गेमर भी उसी लिस्ट में आते हैं और इस बंदे को भी ज्ञान भाई ने बहुत ज्यादा बूस्ट दिया। आप देख सकते हो कि इस टाइम पे इनके यूट्यूब पर तकरीबन 5 मिलियन फॉलोअर्स। और इसमें एक और मजेदार बात ये थी कि अगर आप ज्ञान भाई के चैनल पर नए हैं और उनसे शाउट आउट मांग रहे तो यहाँ पर ज्ञान भाई का रिप्लाई कुछ ऐसा करता था कि आप नए हो आपको शाउट आउट नहीं मिलेगा। और जब मैंने ये चीज पहली बार देखी तो भाई हंस हंस के मेरा पेट दुखने लगा। मेरा नाम लो आईडी भाई 3 बार, क्या भाई तेरा नाम लो दाज भाई हाय भाई हंसो भाई दाज भाई, मैं किसी को शॉर्ट रन नहीं देता मेरे ब्रो, तुम नया बंदे चैलेंज में हो यार, आई एम सॉरी यार ब्रो। हाय भाई हमें से काफी सारे बंदे हर रोज ज्ञान भाई का स्ट्रीम देते हैं लेकिन बहुत सारे बंदों को तो ये भी पता नहीं होगा ज्ञान भाई का असली नाम क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ज्ञान भाई का असली नाम है सुजान रॉय मिश्रा, जो कि शायद आप लोगों को आज ही पता लगा होगा। तो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो जैसे ज्ञान भाई का स्ट्रीम स्नैप करने वाले फर्स्ट यूट्यूबर जैसे सोनिता के बारे में बताया, उसी तरीके से एक और टीम ऐसा हुआ करता था जैसे ज्ञान भाई काफी ज्यादा परेशान थे, जैसे टीम एरो। तो टीम एरो के बंदे हर बार ज्ञान भाई का स्ट्रीम स्नैप करते थे और उस चीज से इरिटेट होकर ज्ञान भाई ने कई बार उनको उल्टा सीधा सुनाया भी। और ऐसा ही एक किस्सा हुआ जब ज्ञान भाई का स्ट्रीम स्नैप किया टीम एरो ने, तो वहां पर ज्ञान भाई ने कुछ ऐसा कहा कि मैं इनको बुलाकर गाली देने वाला हूं। ये हर बार मेरा स्ट्रीम देखता है, मैंने रैंक में ये लोग का टीम आता है यार देख के अब पता नहीं कौन बंदा है। जब भी मैं रैंक मैच खेलता हूं ना पहले जब बहुत पहले हर बार टीम स्ट्रीम देख आता है बंदा, देखा मैंने टीम एरो का बंदा बुला तो हां टीम एरो का बंदा मत बुलाओ, इसको हटाओ, सबसे सबसे घटिया खेलता है ये लोग यार रैंक में, मेरे हिसाब से सुन लो। ऐसा दिन नहीं देखा जो सही से खेलता है बल बंदे लोग टीम एरो, सब लोग स्ट्रीम देख के आते टीम एरो का। जो भी यहाँ पे टीम एरो का बंदे सुन लो लीडर, अब लीडर हो तो तब भी सुन लो भाई, तुम लोगों का जो गिल्ड है ना उसमें बहुत सारे बंदे हैं जो स्ट्रीम देखते आते हैं यार,
गलत बात हुई ये चीज। और ये बात आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे, यान भाई के जब सिर्फ 5K सब्सक्राइबर थे उस टाइम पे उनके साथ एक और यूट्यूबर खेला करते थे जिनका नाम था टू साइड गेमर, और टू साइड गेमर की तरफ से सिर्फ एक ही क्रिएटर खेला करता था जिसका नाम था जस। तो जस का पहले का नाम हुआ करता था जस धोखा, जैसा कि हुआ। तो यहाँ पर टू साइड गेमर भी वैसे यूट्यूबर थे जिनको ज्ञान भाई ने काफी ज्यादा प्रमोशन दिया और उनके चैनल को ग्रो करने में काफी ज्यादा हेल्प की। लेकिन इसके बाद में इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रोवर्सी हुई और यहाँ पर टू साइड गेमर ने अपने चैनल को अलग कर लिया। और ऐसे ना जाने कितने सारे यूट्यूबर्स थे जो एक के बाद एक आते रहे और अपना चैनल ग्रो करके जाते रहे। तो ये कहना गलत नहीं होगा ज्ञान सुन कम्युनिटी में एकमात्र ऐसे यूट्यूबर है जिन्होंने काफी सारे यूट्यूब चैनल्स को खड़ा किया है, और जिस तरीके से उन्होंने मेरा स्टोरी इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है उस बात को प्रूफ करता है। एंड थैंक यू भाई। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।